वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम बात करेंगे भोपाल TC के पेपर के बारे में। तो दोस्तों जान लेते हैं, जो व्यक्ति नया है चैनल पर, मैं उसको बता दूं कि मेरे चैनल पर यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड शेयर पेपर अपलोड किए जा रहे हैं जो कि आपके लिए यूजफुल होते हैं। जो व्यक्ति नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वो लाइक कर दे, जिससे कि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों जान लेते हैं जैसा कि क्वेश्चन है यहाँ पर, शाननाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। दोस्तों शाननाथ का जो लॉयन कैपिटल है ये हमारा अशोक से संबंधित है, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश के महान शासक कौन थे। दोस्तों जो कलिंग प्रदेश है हमारा ये उड़ीसा में आता था, ठीक है। यहाँ की हमारे राजा थे महान शासक खारवेल, ठीक है। दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरे का बी हो जाएगा आंसर, खारवेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का अभिप्राय क्या है। दोस्तों बुद्ध जो शब्द होता है उसका मतलब क्या होता है, वो होता है ज्ञान, ठीक है, या फिर मूर्ख या फिर अत्याचारी या फिर लोभी। दोस्तों उसका होता है मतलब ज्ञान प्राप्ति बुद्ध का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युग दर्शन किससे संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, युग दर्शन आपको जानते होंगे, युग दर्शन के प्रतिपादक हमारी कौन थी, पतंजलि। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा सी, युग दर्शन से संबंधित है पतंजलि से, ठीक है। तो हम तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का ज्ञान मिलता है हमें कैसे मिलता है, अभिलेखों से या फिर पुरातत्व उत्खनन से। दोस्तों जो चीज़ें हम लोग निकालते हैं, खोज करते हैं, उन्हें हम पुरातत्व उत्खनन कहते हैं, ठीक है। तो पाँच का हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई। दोस्तों सबसे पहले दशमलव प्रणाली हमारे आर्यभट्ट जी ने चलाई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 6 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक, सबको पता होगा रजिया सुल्तान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है। दोस्तों ख्वाजा मुद्दी चिश्ती, जिन्हें हम बोलते हैं KGN, ठीक है, KGN, ख्वाजा गरीब नवाज जी, हमारी कहाँ पर है, ये भी हमारी अजमेर में है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। रेशम उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माने जाने वाला शहर है। दोस्तों इसमें हमें आंसर बताना है, तो यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम भी है और वाराणसी भी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें कन्फ्यूजन है हम, दोस्तों इसमें क्या होगा आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत का कौन सा शासक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। दोस्तों जो मध्यकालीन का शासक था वो हमारा शेरशाह सूरी था, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की बाल निकाल जो हो बाल अवस्था थी उस पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा था, माता जीजाबाई का या सायजी भोसले का या तो काबाई मोहिते का या गुरु कौंडदेव का। दोस्तों आंसर ऑप्शन होगा हमारा बी, माता जीजाबाई, ठीक है। दोस्तों 11 का आंसर होगा हमारा बी, इनका पड़ा था माता जीजाबाई का और गुरु कौंडदेव का, ठीक है। तो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने या भगत सिंह ने। दोस्तों ऑप्शन दिया था इसमें भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, दक्खन का पठार या पामीर का पठार या बोलीविया का पठार या मेसिडा का पठार। दोस्तों यहाँ पर हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल में धूल कण नहीं होते हैं या वायु जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। ऑप्शन होगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कि बालू जितनी जल्दी ठंडी होती है उतनी जल्दी गर्म होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षित रखती है, कॉस्मिक किरणों से, गामा किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से। दोस्तों आपको पता होगा अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी वायुमंडल की ओजोन परत हमें सुरक्षा प्रदान करती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, दोस्तों हमारी नील नदी सबसे लंबी नदी है, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, कमेंट में आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हमारी गंगा है, भारत की पूछा गया है, ठीक है। इसलिए निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। दोस्तों भारत से होकर हमारी कौन सी रेखा गुजरती है इन चारों में से, तो कर्क रेखा, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हमारी क्या है, काराकोरम, केटू या कंचनजंगा या नंदा देवी या माउंट एवरेस्ट। दोस्तों भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमारी कंचनजंगा है जी, हमारी सिक्किम में है, ठीक है। तो 19 का हो जाएगा बी आंसर, और काराकोरम हमारी जैसलमेर श्रेणी की है, ऊपर में है, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है। दोस्तों राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक 2 वर्षों में होता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का चुनाव
कितनी वर्षों पर होता है? प्रत्येक 2 वर्ष पर हमारे इसकी वो चुनी जाती है दोस्तों, सदस्य चुनी जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता होगा राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राज्यपाल की, ठीक है। गुब्बारा में कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों? गुब्बारा में हमारी आर्गन गैस या हीलियम या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कौन भरी रहती है? हमारी हीलियम। और दोस्तों जब हमें कोई मौसम के बारे में जानकारी होती है तो गुब्बारे में हीलियम गैस की गुब्बारे छोड़े जाते हैं, ठीक है, मौसम का पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक है दोस्तों? हमारा गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है दोस्तों? N2O जिसे बोलती है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन होगा हमारा बी। फोकस आंख में किसके द्वारा असामंजस्य स्थापित करता है? फोकस आंख में किसकी द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? रेटना द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पुतली द्वारा या कॉर्निया द्वारा? दोस्तों ऑप्शन होगा हमारा ए, रेटना द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की धूप जो प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य से जो हमें धूप मिलती है उसमें विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है, विटामिन डी याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर होगा हमारा 27 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों पर लगा जाता है? दोस्तों वित्तीय आपात होता है जो हमारा, वित्तीय आपात कितने में है? 360 में, ठीक है। ये अमेरिका से लिया गया है जो प्रावधान वित्तीय आपात का 360 अनुच्छेद में है, तो ये हमारा 2 मई के लिए प्रथम बार लगाया जाता है, ठीक है। तो 28 का हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितने दिनों का होता है? दोस्तों 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, इसी अध्यादेश जारी कर देता है राज्यपाल विधानसभा में और राष्ट्रपति कर देता है, आपको पता होगा यहाँ पर हमारे केंद्र में, ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अगर 6 माह से ज़्यादा का गैप होता है तो, सत्रों में, संसद के सत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थी? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ वो हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, योजना आयोग क्या है? दोस्तों एक हमारा असंवैधानिक निकाय है योजना आयोग, क्योंकि ये कोई अनुच्छेद में नहीं है, आपको पता होगा ये हमारा संसद द्वारा निर्माण किया गया था इसका, ठीक है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति था? दोस्तों चंद्रमा पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये हमारा नील आर्मस्ट्रांग था, ठीक है। ये हमारा कहाँ का था? USA का था, 1969 में गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है इसे वयोवृद्ध पुरुष बोलते हैं, वयोवृद्ध मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति। तो दोस्तों ये हमारे दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, आपको पता होगा इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय भी ज्ञात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है दोस्तों बैडमिंटन से, खो खो से, टेनिस से, गोल्फ से? दोस्तों ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर ए, 34 का बैडमिंटन से। इसमें डबल फॉल्ट शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे हमारा क्रिकेट में गुगली या फिर चाइना मैन या फिर सिली पॉइंट कवर स्लिप आदि शब्द यूज होते हैं, ऐसे ही डबल फॉल्ट में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय हैं? दोस्तों हमारा तुमने देखा होगा जो चाय होती है उस पर चाय पत्ती की जो हमारी चाय होती है जो हम लोग ब्रुक बॉन्ड ताज़ा यूज करते हैं या कोई भी चाय यूज करते हैं तो उस पर महिलाओं की फोटो अक्सर ही छपी रहती है। तो दोस्तों इसमें भी एक हमारा एक फैक्ट है कि भारत में सर्वाधिक महिला सक्रिय हैं चाय उद्योग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? दोस्तों प्रथम भारतीय महिला पूछा गया इसलिए हमारा होगा इसमें आंसर बंछेदी पाल, ठीक है। तो 36 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, सॉरी दोस्तों हमारा 36 का आंसर हो जाएगा बंछेदी पाल। दोस्तों इस समय बंछेदी पाल सबसे पहले चोटी पर गई थी, भारतीय थी जो, और तो कुछ भी दोस्तों आपको पता होगा इनका निधन हो गया है हाल ही में, 7-8 महीने पहले ये जापान गई थी, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे दोस्तों आपको पता होगा भारतीय रेल को किस सूची में रखा गया है? 3 सूची है हमारी, जो 7वीं अनुसूची में उसके अंतर्गत 3 सूची हैं, जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 3 सूची है, संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची में है रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? ये बनाता है राष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आपको पता होगा बैंकों का बैंक SBI को कहा जाता है या RBI को कहा जाता है, तो यहाँ होगा RBI। इसकी स्थापना 1935 में, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन है, शून्यकाल क्या है? पता होगा सबको, संविधान का क्वेश्चन है। शून्यकाल दोस्तों हमारा ए वो है जहाँ
प्रश्न काल के ठीक बाद का समय है जी, ठीक है, या प्रश्न काल के ठीक बाद ठीक पहले का समय है, तो दोस्तों आंसर होगा हमारा सी, ये हमारा प्रश्न काल के ठीक बाद का समय है। दोस्तों एक याद रख लीजिए, शून्यकाल कहीं से लिया नहीं गया है भारतीय संविधान में, ये भारत का ही देन है, भारत की संविधान में कभी से शून्यकाल नहीं लिया गया है, ठीक है, और 1962 में हमारा लागू हुआ था शून्यकाल संसद में। तो दोस्तों ये भारत की देन है, भारत ने अपनाया है इसे। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा, तो ऑप्शन होगा बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? दोस्तों हमारा बलपूर्वक मिलाया गया था किसको? हैदराबाद को। हैदराबाद रियासत थी दोस्तों हमारी, बलपूर्वक मिलाई गई थी, जो हमारे जो वल्लभभाई पटेल थे दोस्तों उन्हें एकता का प्रतीक कह दिया भारत की, उन्होंने भारत को एक करने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें एकता का प्रतीक कहा जाता है। उनका उनका जन्म 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा हैदराबाद थी, ठीक है वो, और आपको बता होगा उनकी मूर्ति हमारी यहाँ पर बन रही है जो गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निषेधाज्ञा का उपयोग किसमें होती है? दोस्तों होती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? दोस्तों तानसेन पूछा गया है, बैजू बावरा पूछा गया है, तो आपको पता होगा अकबर होना चाहिए आंसर, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, अकबर के में, ठीक है। एक दोस्तों नई नया अच्छा क्वेश्चन है, एक्यूपंचर। दोस्तों एक्यूपंचर क्या होती है सुन लीजिए अच्छे से, एक्यूपंचर वो होती है जिसमें सुइयों के माध्यम से उपचार विधि होती है। दोस्तों आपको पता होगा ये हमारी सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है, ये हमारी जापान में शायद लागू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? दोस्तों ब्लैक होल क्या है हमारा? ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? दोस्तों हमारी ये है हमारी प्लासिक युद्ध हुआ था 1757 में, ठीक है। तो ये हमारी ब्लैक होल एपिसोड हुआ था 1756 में, ठीक है, ये 1756 में, तो हमारी प्लासिक युद्ध की पहले की घटना है, ठीक है जी। ब्लैक होल मतलब होता है काल कोठरी कांड हुआ था जो इतिहास में आपको पता होगा बंगाल में, वही है जी ब्लैक होल एपिसोड, ठीक है। तो 46 का हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेवल इन ट्रांसियाना पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों ये हमारे हैं जसवंत सिंह या खुशवंत सिंह, इसमें कन्फ्यूज होते हैं अक्सर ही, दोस्तों इसका आंसर होगा जसवंत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल फीताशाही का अर्थ है? दोस्तों लाल फीताशाही मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति आपको कागज मांगे सरकारी कामकाज में, तो आपको एक कागज की जगह आपको 10 कागज देना पड़े, तो वो लाल फीताशाही हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से वो क्या होता है, हमारे मनमानी कह सकते हैं, इसमें दोनों ही यूज है, मनमानी हो सकता है, भ्रष्टाचार नहीं होगा, मनमानी होगा, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतारा किस देश की एजेंसी है? दोस्तों पता होगा आपको अंतारा हमारी स्पेन की या पुर्तगाल की या इंडोनेशिया, किसकी एजेंसी है? इंडोनेशिया की, ठीक है। तो 49 का हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों एनरॉन पावर परियोजना हमारी दाभोल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि को सर्वप्रथम किसने संहिताबद्ध किया? दोस्तों हिंदू विधि को सर्वप्रथम किसने संहिताबद्ध किया? तो हो जाएगा आंसर हमारा मनु ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, एक शास्त्रीय नृत्य है, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश हमारा 1974 में लिखा गया था, सॉरी दोस्तों 1874 में लिखा गया था, दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था ये हिंदी में, ठीक है। ये हमारे महाराष्ट्र में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, और उससे एक साल पहले 1874 में लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार हमारा लेनिन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरवी का गायन काल है? दोस्तों राग भैरवी का गायन काल हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा प्रातःकाल, सुबह सुबह में, ठीक है। केंद्र के मंत्रिपरिषद किस किस प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों केंद्र की मंत्रिपरिषद हमारी किसकी प्रति उत्तरदायी होती है? ये हमारी होती है लोकसभा की प्रति, ठीक है। 56 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हमारा गोरखपुर है, ठीक है। यहाँ खड़गपुर की जगह गोरखपुर होना चाहिए था, ये हमारा 1.3 किलोमीटर या फिर 1300 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, कुल जो हमारे देश की इनकम होती है उसमें व्यक्तियों की संख्या का भाग दिया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण का आधार क्या है? दोस्तों तो दोस्तों भारत में मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण का आधार हमारा क्या होता है? व्यय मूल्य पर या आय मूल्य पर या पारिश्रमिक पर। दोस्तों पारिश्रमिक पर होगा आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है। दोस्तों सबको पता होगा मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कोई 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं यहाँ पर मैथ के, इसका आंसर आपको पोस्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर मैथ के, ठीक है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको आती हैं तो आप क्वेश्चन आंसर पोस्ट करिएगा, नहीं आती हैं तो हम आपको सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को दोस्तों थोड़ा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।